हेलो गाइस अभी हम 10 ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो 100 परसेंट प्रॉफिट मेकिंग है 100 परसेंट प्रॉफिट मेकिंग है मतलब लॉन्ग टर्म में वो कभी आपको धोखा नहीं देने वाला अगर 2020 से भी अगर 2025 तक अगर आप रखते हो तो आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट में रिटर्न क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए टेन का रिटर्न है कौन सा स्टॉक है देखिए जो कभी ना गिरा हो मार्केट जितना भी क्रैश हुआ है वो देखिए लेकिन इसमें गिरावट नाम की चीज़ नहीं है थोड़ी भी गिरावट नहीं है जब भी गिरावट है लेकिन ये आप देखोगे तो अपर सर्किट की ओर ही जाता है कौन सा स्टॉक है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं? एशियन पेंट स्टॉक का नाम है एशियन पेंट यहां पर देख लीजिए कभी आप देख रहे हो एशियन पेंट का मुझे लगता नहीं है कभी इसका डिमांड डिक्रीज होगा जब तक डिमांड नहीं डिक्रीज होगा तब तक यहां पर आपको सप्लाई भी डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगी और ये देख लीजिए दूसरा स्टॉक कभी जमाने में यहाँ पर देख लेते हैं केवल ट्वेंटी टू रुपीज़ का हुआ करता था आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में केवल अपर सर्किट लगा है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 50 परसेंट तक टूट चुके हैं लेकिन मैं आपको केवल ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो प्रॉफिटेबल हो हंड्रेड प्रॉफिटेबल वाले स्टॉक में आपको दिखाने जा रहा हूँ आप खुद देख के बोल सकते हो कि ये स्टॉक में भी आपको थोड़ी भी गिरावट नहीं अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चला वन थाउजेंड के आसपास चल रहा है और कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री कंपनी काम क्या करती है पहला वाला जो मैं आपको बताया एशियन पेंट वो पेंट का कारोबार था और ये जो कंपनी है ये ग्लू बनाती है ठीक है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सिचुएशन में ग्लू का डिमांड जो है डिक्रीज होने वाला है क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको चेंज करने के लिए कंपनी को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा कैपिटल को अपना खर्च नहीं करना पड़ेगा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ना एक दिन आप फेल हो जाओगे और वर बफेट बोलते हैं उसी कंपनी पर पैसा लगाओ जो कॉन्स्टेंट है कभी उसको प्रोडक्ट चेंज करने के लिए ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल कोको कोला और इसके जितने भी पीर कंपनी है मतलब कि इसके जितने भी पीर कंपनी है मुझे नहीं लगता कि किसी में लॉस होगा ठीक है यहां पर अगर देख लीजिएगा तो ये जो पीर कंपनी यहाँ पर देख लीजिए पीडिलाइट इंडस्ट्री में फोर्टी टू परसेंट का आपको यहाँ प्रॉफिट देखा जा रहा है अतुल में आपको फोर्टी टू परसेंट का मतलब दोनों बराबर ही है अगर उसके आजू बाजू भी हम किसी को देखते हैं गोदरेज में तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको जो है नुकसान देखने को मिल रहा है फोर्टीन एन चलिए भाई सी ठीक है लेकिन टाटा केमिकल में भी अगर हम देख लेते हैं तो ट्वेल्व परसेंट के आसपास तो जितने भी ये सेक्टर के स्टॉक है सारे प्रॉफिटेबल है तो वन ऑफ द बेस्ट कौन ज्यादा ज़्यादा बेस्ट वो कंपनी में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं और प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख लीजिए मुझे लगता है सेवेंटी परसेंट के आसपास इनके पास है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है मोर देन फिफ्टी परसेंट रहना चाहिए तो फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा इनके पास सेवेंटी है तो काफ़ी अच्छा है और उसके बाद एक एफ एम की कंपनी है वो है डाबर यहाँ पर अगर इसमें भी आप देख लेते तो बहुत लंबी और तगड़ी ग्रोथ देखी जा रही है हाँ एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कभी कभी इसमें जो है आपको टेक्निकल गिरावट आ जाता है जो टेम्प्रेरी रहता है यहाँ पर देख लीजिए कभी कभी गिरावट आता है लेकिन ये गिरावट को क्या करती है कंपनी फिर इसको लॉन्ग टर्म में आपको खींच के ऊपर ले जाती है तो कंपनी का नाम है डाबर अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है केवल फोर हंड्रेड एट सेवेंटी एटी रुपीज़ के आसपास है फोर हंड्रेड एटी सेवन रुपीज़ के आसपास है डावर देखिए डावर जैसे प्रोडक्ट को आपको पता है कि लोग जो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल अगर ये लो प्राइस में मिलेगा तो मैं ख़रीद लूँगा तो इतना बड़ा जो है परेशानी आया है हमारे इंडिया में तो उसकी वजह से डावर में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी है इसको एडवांटेज के तौर पर यूज़ कीजिए आप और ऐसी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में धोखा नहीं देने वाली है अगर आप देख लेते हो डाबर के बारे में अभी तो यहाँ वन मंथ और वन ईयर का रिटर्न यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है वन ईयर का ट्वेंटी थ्री परसेंट जो बैंक से एफ से कई गुना ज़्यादा है बैंक में एफ में हो सकता है आपको सिक्स परसेंट के आसपास मिले या सेवन परसेंट के आसपास मिल जाए लेकिन यहाँ पर आपको तीन गुना ज़्यादा मिला एफ से तो वो हिसाब से अच्छा है और वन मंथ में भी देखते हैं तो आपको सिक्सटीन के आसपास दे रहा तो ये अच्छी अच्छी कंपनी है एफ की कंपनी है ऐसे कंपनी में आप लंबे समय के लिए पैसा लगाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका पैसा कभी जो है आने वाले पाँच सालों में वो आपको कभी नेगेटिव रिटर्न देगा और जब भी देगा तो आपको प्लस पॉइंट में देगा या तो हो सकता है डबल कर दे या डबल से भी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है और ये है MGL महानगर गैस महानगर गैस आने वाले ऐसे ही मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक में ही आपको डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आएगा और ऐसे स्टॉक में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा तो अभी केवल जो है नाइन फिफ्टी नाइन के रुपीस में मिल रहा है आने वाले मुझे लगता है पाँच सालों में ऐसी कंपनी जो है आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकती है और ऐसे स्टॉक को ख़रीदने की वजह क्या है यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे करेंट प्राइस इज़ लेस देन इंटरनसिक वैल्यू जो इंटरनसिक वैल्यू होता है इंटरेंसिक वैल्यू क्या होता है एक बिजनेस का और एक शेयर का जो वैल्यू होना चाहिए इस पूरे बिजनेस का और एक शेयर का वैल्यू का जो होना चाहिए इंटरनसिक वैल्यू उसको बोलते हैं वो वैल्यू यहाँ पर बता रहा वो भी कम है मान लीजिए बिजनेस का एक शेयर का प्राइस होता है हंड्रेड लेकिन ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है मान लीजिए नाइन्टी रुपीज़ में या एटी फाइव रुपीज़ में तो इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है हंड्रेड रुपीज़ अभी मिल रहा है कितने में एटी फाइव रुपीज़ में या नाइन्टी रुपीज़ में तो इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है जिस इसका प्राइस होना चाहिए था कॉस्ट क्या होना चाहिए था हंड्रेड लेकिन आपको मिल रहा है केवल एटी फाइव या नाइन्टी में तो वो ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है करेंट प्राइज इज़ लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू तो इस गिरते हुए मार्केट में या कोरोना ने किया क्या कि सारे अच्छे अच्छे स्टॉक को गिरा डाला तो मुझे लगता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू से जो चीज़ नीचे मिलती है उसको हमें खरीद लेना चाहिए और जितने भी यहाँ पर एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि आपको ख़रीद के चलना है कितना 85 परसेंट क्योंकि स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होने वाली है ऐसे स्टॉक में इसलिए जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक एनालिस्ट है तो जितने भी एनालिस्ट हैं और आप भी देख सकते हो क्योंकि आप भी देख लो ये गिरावट मुझे नहीं लगता दोबारा आपको देखने मिलेगा और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक को मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए ऐसे भी प्राइस पे क्योंकि ब्रिटानिया बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव स्टॉक है अगर रिटर्न के मामले में देखें तो ये स्टॉक अगर देखते हैं तो सीधा प्रॉफिट की ओर ही जा रहा है लॉस की ओर नहीं जा रहा तो ऐसे स्टॉक में आप देख सकते हो सीधा अपर सर्किट लगते हैं मार्केट गिरा तो ये कॉन्स्टेंट हो चुका है ये कॉन्सटेंट हो चुका है यही लेवल में अप डाउन कर रहा है लेकिन ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहा ये जो लेवल होता है एक यही लेवल में अगर स्टॉक आपको देख लिया अपर अपर सर्किट या डाउन सर्किट आपको लगा रहा है उसमें आपको तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा होता है क्योंकि बाद में जब ये हैं जो प्रॉब्लम हटते तो ये स्टॉक आपको ऊपर भी खींच सकते हैं खींच सकते हैं क्योंकि ये कभी भी देख रहे हो तो ये अपर सर्किट वाले ही स्टॉक है जब भी देखते तो क्या है अप ट्रेंड में चलते हैं। कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं चलते हैं और ब्रिटानिया के अगर आप प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो बहुत है गुड डे मेरी गोल्ड टाइगर बहुत सारे प्रोडक्ट है यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट है तो ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब ये ज़्यादा फेमस है और इसी प्रोडक्ट से ये कंपनी का जो है एक अच्छा खासा लॉयल ब्रांड तैयार होता है और कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ही जा रही है अगर 2016 में देख लेते हैं ये पाँच साल ये यहाँ से आपको पता चलेगा 0.82 के आसपास था फिर यहाँ पर 0.88 था 2018 में वन हो चुका है 2019 में वन पॉइंट फिफ्टीन हो चुका तो अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली ये कंपनी जो है इंक्रीज़ हो रहा तो ये अपर सर्किट में इंक्रीज़ हो रहा है ये आपको डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा तो ये जो कंपनी ऐसे कंपनी को ख़रीदोगे तो अच्छा रहेगा और यहाँ पर हम प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देख लेते हैं कि कंपनी में क्या है क्या नहीं है करके तो कंपनी में देख लेते हैं फिफ्टी परसेंट की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है एक भी प्लेज नहीं है एक भी प्लेज नहीं किया हुआ है और देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ इंक्रीज या डिक्रीज़ तो नहीं किया तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर देख लेते हैं फिफ्टी पॉइंट सिक्स सिक्स है तो यहाँ पर भी फिफ्टी पॉइंट सिक्स थ्री है थोड़ा सा थोड़ा सा जो ना के बराबर है उन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है बस ये और ये है विनिता ऑर्गेनिक इसमें अगर आप देखोगे तो ये कंपनी में कभी लॉस नहीं दिया है लॉन्ग टर्म में क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट हो लॉस ना हो ठीक है लॉस ना हो तो ऐसी कंपनी देख लो अगर ऐसे आप कंपनी खरीदते हो कभी अगर नीचे भी आता है तो ये आपको निकाल देगा तो ऐसे कंपनी में आप पैसा लगाओ कल को अगर कुछ भी होता है थोड़ा बहुत डाउन सर्किट भी आता है तो वो आपको निकाल देगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में हो तो अच्छे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसमें डेट बहुत कम हो या ज़ीरो हो बहुत कम हो या ज़ीरो अगर किसी कंपनी में डेट ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से उस कंपनी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए तो ये वो कंपनी थी जो बहुत अच्छे हैं और पाँच सालों के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप लाखों में खेल सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो पी जैसे इंडस्ट्री कभी लॉस नहीं देती लार्ज एंड टूब फिफ्टी परसेंट गिर चुका है अभी आपको केवल प्रॉफिट ही दे सकता है और कुछ नहीं डाबर जैसी कंपनी देख सकते हो मेरिको मेरिको आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा और लॉयल ब्रांड है यहाँ आपको मुझे नहीं लगता टाटा एलेक्सा अभिनेता और उसके बाद एक और यहाँ पर देख लीजिए आई जी फिर यहाँ पर एम तो ये जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी हैं मैंने आपको बताया था फिर लास्ट में जो बचाई एशियन पेंट ये सारे अच्छे स्टॉक है इसमें आप लंबे समय के लिए एस कर सकते हो सिस्टमेटिक वे एस कर सकते हो जिससे आने वाले दिनों में आपके पास आपके पास एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा क्योंकि अच्छे कंपनी में लगाओगे ये मैंने वो कंपनी चूज़ किए हैं जो कभी लॉस नहीं देता है कभी लॉस नहीं देता शेयर मार्केट में आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखा गया थर्टी फाइव परसेंट के आसपास जो है निफ्टी टूट चुका था और ऊपर से देखते सारे ब्लू चिप स्टॉक में फिफ्टी परसेंट की गिरावट हो चुकी थी लेकिन ये वो सारे स्टॉक हैं जो कंटिन्यूसली स्टेबल है और कॉन्स्टेंट है और कभी गिरने वाला नहीं है ये अपने ही एक वे है इनका यही वे में डाउन होता है या तो ऊपर जाता है अगर नीचे भी आता है तो ये कवर कर लेता है तो ऐसे स्टॉक में आप लंबे समय के लिए पैसा लगा सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा स्टॉक अच्छे हैं तो लाइक करके इंक्रेज कीजिए और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में